दोस्तों नमस्कार। खबर सागर मध्य प्रदेश से, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हेतु उत्सव तैयारी में सहसपुर में कलश यात्रा, रंगोली आदि कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सागर में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देश भर में एक साथ मनाया गया। इसको लेकर सरकार, प्रशासन, सामाजिक धार्मिक संगठन अपने अपने अनुसार तैयारी लगे रहे। बीते सोमवार को सहसपुर में रंगोली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वातावरण राममय हो गया। क्षेत्र के चारों मंदिरों खेरापति माता मंदिर क्षेत्र में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित हुए। भगवान राम का प्राकट्य जिस मुहूर्त में हुआ, अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 22 जनवरी को दोपहर 12:10 से 12:24 तक उसी दिव्य मुहूर्त में सहसपुर में भी पुजारी पुरोहित भी मंदिरों और घरों में शंखनाद करते दिखे। पंडित राम नरेश दुबे ने कहा कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास काट कर लौटे थे, तब तो जो खुशियाँ मनाई गई थी वही खुशियाँ आज मनाई जा रही हैं। उसी प्रकार आज खुशी का दिन है कि उनके भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। आइए देखें कार्यक्रमों की एक झलक। सागर मध्य प्रदेश से संवाददाता मनोज मेहरा की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन रामजी गुप्ता ने कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब भगवान पैदा हुए थे और उनका नामकरण हो रहा था, तभी ये कहा गया था कि दो अक्षर का नाम होना चाहिए। ये भले ही दो अक्षर का नाम है, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड शामिल है। आज जितने भी राम भक्त हैं, श्री राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर का भव्य निर्माण संपूर्ण हो रहा है और सही माने में आज दिवाली। उन्होंने कहा कि काम पहले होना चाहिए था, लेकिन